नमस्कार दोस्तों, उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी के अंतर्गत कक्षा छठवीं गणित विषय में अध्याय एक अपनी संख्याओं की जानकारी इस पाठ के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं और आपको यह बताने वाले हैं कि आप किस तरह से इसको हल कर सकते हैं। तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसके प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं यह समझिएगा। आप देख रहे हैं पहले प्रश्न को, यह प्रश्न जो है आपके पुस्तक में है। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरिए, जिसमें पहला के अंतर्गत एक का जो प्रश्न है उसमें कहा गया है 1,00,000 बराबर कितने 10,000। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपके सोचने के तरीके को बदलने के लिए है कि आप किस प्रकार से नए तरीके से सोच सकते हैं। अभी तक हमने यह अभ्यास किया था 1,00,000 बराबर कितने 1,000, 1,00,000 बराबर कितने लाख, ऐसे हमने अभ्यास किया था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है 1,00,000 बराबर कितने 10,000, तो यह बहुत कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। तो इस कन्फ्यूजन को आप कैसे दूर कर सकते हैं इसके लिए एक तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर दिया गया है 1,00,000, तो आप इस 1,00,000 को अंकों में लिख लीजिए, ठीक है। ये हुआ 1,00,000, इस प्रकार से अल्पविराम लगा देंगे तो ये बन गया 1,00,000। अब उसके बाद इसे भाग कर दीजिए यहाँ जो 10,000 है उससे, ठीक है। अब भाग करने के बाद आप देख रहे हैं 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, उत्तर मिला 10 और यही 10 जो है यहाँ पर आएगा। अब आपके मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि यहाँ पर हमने 1,00,000 में से 10,000 को भाग क्यों दिया। आपके मन में यह प्रश्न आना वाजिब भी है। तो समझते हैं, चलिए यदि हम 1,00,000 में, आइए समझिएगा, 1 का गुणा करते हैं तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा। 1,00,000 गुणा 1 बराबर 1,00,000 ही होगा। यदि हम 1,00,000 गुणा 1/1 करते हैं तो इसके मान में कुछ बदलाव हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि हमने तुल्य भिन्न जब पढ़ा उसमें यह स्पष्ट कर दिए हैं कि किसी भी संख्या में 1/1 का गुणा किया जाता है तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता। बस उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। तो यदि हम 1,00,000 में 10,000/10,000 का गुणा करें तो इसके मान में कुछ अंतर होगा क्या? नहीं होगा, 1,00,000 का मान 1,00,000 ही होगा। अब इस 10,000 के स्थान पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1,00,000 गुणा 10,000/10,000, ठीक है। यहाँ 10,000 हमने इस अंक वाली संख्या को शब्द में लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप इसको हल करेंगे तो 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 आपने नीचे में काट दिए, उसी प्रकार 4,00,000 जो है आप ऊपर में काट दिए। तो इस प्रकार 10 गुणा 10,000 मिला, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं 10, 10,000, ठीक है। तो यही इसका उत्तर है। कहने का तात्पर्य है आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए कि हम यहाँ पर भाग क्यों दिए हैं। उसके बाद चाहे आप 1,000 को 1,00,000 में बदलो, ठीक है, या 1,00,000 को 1,000 में बदलो, यहाँ जो संख्या दिया गया है उसे यहाँ पर जो संख्या है उससे भाग कर दो, अर्थात संख्या की इकाई से भाग कर दो, उत्तर जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। आइए अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा जो प्रश्न है बी वाला, उसमें कहा गया है 1,000,000, ठीक है। अब 1,000,000 क्या होता है? मिलियन जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्या पढ़ने का तरीका है और हम भारतीय पद्धति में 1,00,000, 1,00,000 इस रूप में पढ़ते हैं। तो मिलियन को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ, वह है अल्पविराम का प्रयोग। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अल्पविराम जो है प्रत्येक 3 अंकों के बाद लगता है। तो जो पहला जोड़ा है वह सैकड़ा तक का स्थान दिखाता है, उसके बाद जो दूसरा जोड़ा है 3 अंकों का वो जो है 1,000 को बताता है और 1,000 के बाद आता है मिलियन। तो
तो ये हुआ सैकड़ा तक का, इकाई दहाई सैकड़ा, और ये 1000, 10000, 100000, और 100000 के बाद आता है 1 मिलियन। तो इस प्रकार से 1 मिलियन को हमने अंकों में लिख दिया। अब इसे भाग कर दीजिए किससे, 100000 से, तो 100000, ठीक है। अब इसको आप कटा दीजिए, जितना नीचे में शून्य है उतना ऊपर के शून्य को काट दीजिए, तो इस प्रकार से 10 मिला, तो यहाँ पर भी आप 10 लिखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं सी प्रश्न पर, 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमको करना क्या है, पहले 1 करोड़ लिखना है, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़, और 1 करोड़ को आपको भाग कर देना है 10 लाख से, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार दस हजार लाख 10 लाख। अब इसे आप भाग कर दीजिए, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 5 6 शून्य है नीचे में, नीचे में 6 शून्य है तो ऊपर में भी आप 6 शून्य को काट दीजिए, कितना बचा 10। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 करोड़ बराबर 10 10 लाख। इसके बाद देखिए 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन पूछा गया है, ठीक है। तो करोड़ जो है भारतीय पद्धति में होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में करोड़ नहीं बोला जाता, क्योंकि हजार के बाद सीधा मिलियन आता है, मिलियन के बाद बिलियन, बिलियन के बाद ट्रिलियन, और मिलियन जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में है। तो भारतीय पद्धति के संख्या को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बदलने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 1 करोड़ लिखिए, ये 1 करोड़ हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़, चेक क्रॉस चेक अवश्य कीजिएगा। अब नीचे में लिखिए 1 मिलियन, तो मिलियन के लिए क्या करते हैं, हर 3 अंकों के बाद एक अल्पविराम लगाते हैं, तो ये हुआ 1 मिलियन, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10000, 100000 मिलियन। अब शून्य को काट दीजिए, 3 6 शून्य नीचे में, ये आप 6 शून्य ऊपर काट दीजिए, क्या बचा 10। तो यहाँ पर लिख दीजिए 10 मिलियन। तो आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आप देख रहे हैं कितने मिलियन में कितने लाख होते हैं, ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। उसके बाद देखिए 1 मिलियन में कितने लाख, तो इसे जो है आप हल कीजिएगा, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। अब एक तो एक्स्ट्रा प्रश्न जो है मैंने इसमें इंक्लूड किया है, वह है 1 बिलियन बराबर कितने लाख। अभी तक हमने यहाँ पर मिलियन पढ़ा, अब ये हो गया बिलियन। तो बिलियन किसे बोलते हैं, आप जो है 3 3 अंकों के बाद अल्पविराम लगाइए, ठीक है, ये हुआ सैकड़ा, ये हुआ हजार का खंड, फिर 3 अंकों की जो जोड़ी आएगी वह होगी मिलियन का खंड, मिलियन के बाद आता है बिलियन, तो यह लिखा है 1 बिलियन। अब 1 बिलियन में कितने लाख, तो बिलियन के नीचे आप 1 लाख को भाग कर दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार दस हजार लाख, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10000, 100000, 1 मिलियन, 2 10 मिलियन और 100 मिलियन, उसके बाद 1 बिलियन। अब यहाँ पर नीचे में 5 शून्य हैं, ऊपर में 5 शून्य को काट दीजिए, कितना आया देखिए, 1 के बाद 4 शून्य हैं, तो 10000 लाख, तो यहाँ पर आएगा 10000 लाख। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी के साथ आप पहले प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसी प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारे जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन है कि नीचे में लाइक का जो बटन है उसे अवश्य दबा दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, इससे हम जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे वे आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम प्रश्न दूसरा है, सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। देखिए दोस्तों, अल्पविराम जो है संख्या को पढ़ने में बहुत मदद करता है। अल्पविराम के संबंध में हमने एक वीडियो बना दिए हैं कि किस प्रकार से आप अल्पविराम लगा सकते हैं और उसका जो है उपयोग किस प्रकार से आप कर सकते हैं संख्याओं को पढ़ने के लिए। ये बहुत ही उपयोगी कॉन्सेप्ट है, इसको आप जरूर देखिएगा। वे जो है वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आई बटन है, आई बटन में आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए
संख्याओं को लिखिए। तो अल्पविराम के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। भारतीय पद्धति में, भारतीय संख्या पद्धति में अल्पविराम जो है सबसे पहले इकाई की ओर से तीन अंकों के बाद लगता है, सैकड़ा के बाद, उसके बाद हर दो अंकों के बाद अल्पविराम लगते जाता है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो। ये भारतीय पद्धति का संख्या में अल्पविराम लगाने का तरीका है। अब इसे पढ़ा जाता है यहाँ तक, सैकड़ा वाला खंड है, इकाई दहाई सैकड़ा, ये हजार, ये लाख, करोड़, अरब, ये खरब, तो ये जो है एक खरब लिखा है। इसी संख्या को यदि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के तहत लिखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, कितना शून्य है, दो चार छः आठ ग्यारह, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, इसको यदि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अल्पविराम लगाया जाए तो कैसे लगाएंगे, प्रत्येक तीन अंकों के बाद, एक दो तीन, देखिए यहाँ इकाई की ओर से शुरू करते हुए तीन तीन अंकों के बाद, तो यह जो है सैकड़ा को दिखाता है कितना सौ है, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा, ये हजार को, उसके बाद ये मिलियन और ये बिलियन, तो सौ बिलियन में एक खरब होता है, ये भी जान लीजिए। तो उसी काम को यहाँ पर लगाने के लिए कह रहा है, उसी अल्पविराम को आपको यहाँ पर लगाना है और संख्या को लिखना है। तो 73,75,307, तो एक अल्पविराम लाख के बाद लगेगा, एक अल्पविराम हजार के बाद लगेगा, उसके बाद तीनों एक साथ रहते हैं। अब आप इसको लिख सकते हैं, लाख में कितना है, 73 लाख, और लाख के पहले क्या आता है, हजार आता है, तो हजार भी दो अंकों का होगा, यहाँ पर 75 दिया हुआ है तो 75,000 हुआ, फिर अल्पविराम लगा दीजिए, उसके बाद 307। तो इस प्रकार से अल्पविराम की मदद से बड़ी आसानी के साथ आप शब्दों में लिखी हुई संख्याओं को अंकों में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 9,05,41, तो 9 करोड़, तो करोड़ के बाद एक अल्पविराम लगेगा, उसके बाद लाख के बाद, तो 9 करोड़, करोड़ कितने अंक का होता है, दो अंक का, ठीक है, उसके बाद 9 हो गया, अल्पविराम लगाए 5 लाख, 5 को भी हमको दो अंकों का बनाना है, तो ये हुआ 0,05,00,000, ठीक है, अल्पविराम लगाएंगे। अब लाख के पहले हजार के लिए दो स्थान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हजार लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, इसका मतलब क्या हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पर हजार के लिए जगह बनाना है, ये जो है हजार का स्थान है, ठीक है, हजार के स्थान के बाद इकाई खंड के लिए तीन स्थान रहता है, लेकिन यहाँ पर 41 जो है दो अंकों का है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। तो आप देख सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10,00,000, करोड़, तो यहाँ पे 9,05,00,000, यहाँ पर कुछ नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, 41 यह अंकों में लिखा गया। तो देखिए अल्पविराम से कितनी आपकी मदद हो रही है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न जो है 7,52,21,302, तो अल्पविराम कहाँ लगेगा, करोड़ के बाद, लाख और ये हजार के बाद, अब ये तो एक साथ रहता है, तो 7 करोड़, ये हुआ 7,52,00,000, उसके बाद ये 21,000, हजार के स्थान पर दो अंक, उसके बाद ये 302। आप देख सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10,00,000, करोड़, तो 7,52,21,302। अब यहाँ पर डी वाले प्रश्न को देखिए, 58,423,202। अब मिलियन आ गए, इसका अर्थ जो है यह जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखा गया है, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखा गया है, तो आपको पता ही है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हर तीन अंक के बाद अल्पविराम लगता है। तो यहाँ पर मिलियन एक खंड हुआ, हजार दूसरा खंड हुआ, उसके बाद यहाँ पर देखिए तो 58 मिलियन, मिलियन में कितने स्थान होते हैं, तीन स्थान, तो यहाँ पर 58 है, तो 0,58, ठीक है, उसके बाद हजार में भी तीन स्थान होते हैं, तो 423 दिया हुआ है तो 423 ले दीजिए, तो यहाँ पे 58,423,000, उसके बाद ये 202। तो बड़ी आसानी के साथ आप अल्पविराम का प्रयोग करके इसे भी लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 23,30,010, इसे आप लोग हल कीजिएगा। दो प्रश्न हल करने के बाद अब हम चलते हैं इसी प्रश्नावली के
प्रश्न क्रमांक 3 पर। एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन है कि यदि अभी तक हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो नीचे लाइक बटन को अवश्य दबा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति, भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए, अर्थात इंडियन नंबर सिस्टम में आपको लिखना है। तो इंडियन नंबर सिस्टम में अल्पविराम लगाने के लिए भी हमने तरीका बताया, सबसे पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद हर 2 अंकों के बाद लगता है। तो ये जो पहला खंड है वो क्या है, इकाई वाला खंड है, इकाई दहाई सैकड़ा अर्थात 765 है। फिर यह हजार हुआ, ये लाख हुआ, ये करोड़ हुआ, तो 8,75,95,765। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 8,95,765, ठीक है। अब उसके बाद इसको भी आपको किसे बदलना है, इंडियन नंबर सिस्टम अर्थात भारतीय संख्यांकन पद्धति के तहत अल्पविराम लगाना है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं 3 अंकों के बाद फिर 2 अंकों के बाद। यह हुआ इकाई वाला खंड, यह जो हुआ हजार वाला खंड, और यह जो है लाख का। तो 85,46,283 आप इसको शब्दों में लिख लीजिएगा। उसी प्रकार इन दोनों को आपको हल करना है। अब चलते हैं इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न की ओर, ठीक है। अंतिम प्रश्न में कहा गया है उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रूप से लिखना है, तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से अभी हमने बताया कि आपको हर 3 अंकों के बाद एक अल्पविराम लगाना है। तो इकाई की ओर से शुरू करेंगे, ठीक है, 3 अंकों के बाद 1, 2, 3। अब देख लीजिए यह इकाई वाला खंड हुआ, इसके बाद हजार वाला, और ये मिलियन वाला। तो मिलियन में है 78, तो आप लिखिए 78,921,000। अब देखिए सैकड़ा में कुछ नहीं है तो 92, ठीक है, 78,921,092। उसी प्रकार इसमें भी 3 अंकों के बाद लगाएंगे, तो यह हुआ 7,452,283। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से कक्षा छठवीं के प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।